अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। दोस्तों, सिंध के मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध में मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। सिंध में सखर बोर्ड ने भी मैट्रिक का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक का रिज़ल्ट सखर बोर्ड का आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि सखर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना मैट्रिक रिजल्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा। गूगल में आके यहाँ पे लिखना होगा आपको सखर बोर्ड लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, पहली वेबसाइट सखर बोर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद ये सखर बोर्ड की आपके पास जो है वो वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको जूम करना है और मेन्यू में आप यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट्स, इस रिजल्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि साइंस और जनरल मैट्रिक का रिज़ल्ट आज सखर बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। उसके बाद अगर आप सखर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें खैरपुर, नौशेरो फिरोज और घोटकी। अगर सखर से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा, और साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो आपका ये पीडीएफ के अंदर रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड होगा, ठीक है। दोस्तों, ये देखें, डाउनलोड होके आपके पास ये रोल नंबर दिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स A1 ग्रेड आए हैं उसके रोल नंबर हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे इस पीडीएफ से अगर सखर के स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर फाइंड करना होगा, जिससे आपको अपने रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, आपने अगर देखना है जर्नल का तो यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट इसी तरह से पीडीएफ में आ जाएगा। उसके बाद आप जो है वो यहाँ से अपना रोल नंबर देख के अपना रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं।